जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़ी फेक न्यूज को लेकर है। YouTube हो या फिर इंस्टा या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म, इन सभी पर बेसिर पैर की झूठी खबरें भी शेयर या फिर अपलोड की जाती है और कई बार ये खबरें बच्चों से जुड़ी होती है। अक्सर खबरों को वायरल करने के लिए सेलिब्रिटीज के बच्चों के बारे में फेक न्यूज दी जाती है। कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक ऐश्वर्या की बेटी आराध्या के साथ यही हुआ। यकीनन ये बच्चों के लिहाज से ठीक नहीं है और इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख दिखाया है। हम भी सोशल मीडिया पर ऐसे फेक न्यूज से सावधान रहे इसके लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। बातें बेसिर पैर की थी पर असर ऐसा कि कोर्ट तक जाना पड़ा। अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक ऐश्वर्या की बेटी आराध्या के बारे में सोशल मीडिया पर ढेरों फर्जी खबरें फैलाई गईं। जिन लोगों ने फैलाई उन्हें व्यूज चाहिए थे, ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा कमाई। मामला बच्चन परिवार से जुड़ा था इसलिए ये फर्जी खबर तेजी से वायरल हुई, खूब व्यूज मिले, वीडियोज खूब हिट हुए। पर जिन लोगों ने ये किया, क्या उन्होंने ये सोचा कि फर्जी खबरों का उस 11 साल की बच्ची पर क्या असर होगा? पर क्या वीडियो हिट कराने के लिए किसी सेलिब्रिटी के बच्चे से जुड़ी फेक न्यूज सोशल मीडिया पर डालना सही है? और सिर्फ सेलिब्रिटीज के बच्चे ही क्यों, सोशल मीडिया पर किसी भी बच्चे के बारे में बेसिर पैर की बातें शेयर किए जाने को क्या किसी सूरत में सही ठहराया जा सकता है? यहाँ मसला सिर्फ आराध्या का नहीं है, वो बच्चा हमारे घर का भी हो सकता है, तो क्या हम इसकी इजाजत देंगे? आराध्या के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने सभी बच्चों के लिए चिंता जाहिर की, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर आगाह करने वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। कुछ दिन पहले कुछ YouTube चैनल्स ने आराध्या बच्चन की सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाई थी जिसमें आराध्या को गंभीर रूप से बीमार बताया गया। इसके बाद आराध्या ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फटकार लगाई और आराध्या से जुड़े ऐसे सभी वीडियोस को तुरंत हटाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है, चाहे वो सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम आदमी का। विशेष रूप से बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाना कानून के लिए असहनीय है। अदालत ने कहा कि आराध्या के मामले में जाहिर तौर पर मौत तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया जो उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और साथ ही आईटी नियमों का भी उल्लंघन है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस तरह के वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही YouTube समेत Google से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चों से जुड़े फेक न्यूज वाले वीडियो YouTube पर अपलोड कैसे होते हैं? अदालत ने YouTube से दो टूक कहा कि YouTube एक फायदा लेने वाला प्लेटफॉर्म है और अगर आप इससे फायदा ले रहे हैं तो आप पर सामाजिक जिम्मेदारी भी है। दिल्ली हाईकोर्ट के रुख से सोशल मीडिया को सख्त मैसेज मिल गया है। उम्मीद की जा सकती है कि आराध्या बच्चन की तरह किसी भी बच्चे से जुड़ी कोई फेक न्यूज अपलोड या शेयर नहीं की जाएगी। असल में सोशल मीडिया की दुनिया ही बेहद विचित्र है। अंगुलियों के एक इशारे पर खबरों या सूचनाओं के भरे पूरे संसार का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जारी जानकारी पर कोई नियंत्रण नहीं होता। खबर सही है या गलत इसे जाँचने का कोई सिस्टम ही नहीं है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग शोहरत पाने और पैसे कमाने के लिए बेसिर पैर की खबरें तैयार करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को लेकर सावधान और जागरूक रहें। बच्चों से जुड़े झूठे वीडियो या पोस्ट पर हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सोशल मीडिया पर बच्चों की फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर हमने बात की साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हैं और उनके परिवार की बच्ची आराध्या के विरुद्ध भ्रामक झूठे समाचार विभिन्न YouTube चैनल के माध्यम से फैलाए जा रहे थे। इस पर वो माननीय दिल्ली उच्चतम न्यायालय में गईं और वहां उनको रिलीफ देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के सभी समाचारों का रेफरेंस तुरंत हटाने का आदेश दिया। भारत में इस प्रकार के भ्रामक और झूठे समाचारों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फैलाने पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। सिंगापुर में इससे संबंधित कानून प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट है और उसमें कड़ी सजा का प्रावधान है, इसको रोकने में प्रभावी है। जबकि भारत में भी ऐसे ही कानून की सख्त आवश्यकता है। केवल इंटरमीडिएट गाइडलाइंस में बच्चों की सुरक्षा या भ्रामक सूचनाओं के बारे में या डिफेमेटरी कंटेंट्स के बारे में डाल देने से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तो उसमें सजा का प्रावधान नहीं है और दूसरे अक्सर इंटरमीडियरीज गूगल यूट्यूब ट्विटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर इस प्रकार के समाचारों को कंटेंट्स को हटाने से इनकार कर देते हैं। तो कुल मिला के भारत में आम आदमी हो या सेलिब्रिटी, वो झूठ और भ्रामक समाचारों को लगातार झेलता रहता है और उसके पास कोई उचित लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है।